सो हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। कल का व्लॉग एडिट होके अपलोड हो चुका है, प्लीज गो चेक इट आउट। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस पर। आज पता नहीं हम क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले हैं। हमारा डेली रूटीन होगा आज, थोड़ा बहुत मेरा काम है पर्सनल जो मैं वो करूँगा कंप्लीट करके फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। कल के जो सामान लिए थे आज मैं उसको अनपैक करूँगा और थोड़ा आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या लिया है मैंने। कल के व्लॉग में मेरे को माइक इशू थोड़ा सा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मेरा आवाज़ बहुत दबा दबा साउंड कर रहा था मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे। आज उसको फिक्स करने का ट्राई करूँगा, फिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे एक अलग से एक नया माइक वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी सुबह की कॉफ़ी पी रहे हैं और सुबह की कॉफ़ी की क्या बात करें, पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। मैं कॉफ़ी कड़वी पीता हूँ, शक्कर नहीं डालता ज़रा भी, थोड़ा और कैफीन बूस्ट मिल जाता है थके दिमाग को थोड़ा और एक्टिव करने के लिए, पर ज़्यादा कैफीन भी अच्छा नहीं है। पर फिर भी क्या करें, रात में देर देर सोना, सुबह जल्दी उठ के काम करना, तो थोड़ा कैफीन की ज़रूरत पड़ जाती है। यह है वो सारा सामान जो हमने कल लिया है। यह हमारा GoPro 10, अच्छा क्वालिटी है, वाइड एंगल बहुत सही आता है इसमें। नाइट व्यू आपने कल देख ही लिया होगा मेरे व्लॉग में कैसा लग रहा है। यह हमारा स्ट्रैप है, चिन स्ट्रैप जो मेरे हेलमेट पे ऑलरेडी माउंटेड है, और ये मॉड्यूलर है, तो क्या मैं एंगल डिफरेंट सेट कर सकता हूँ, एंगल चेंज कर सकता हूँ। नहीं तो दूसरे एक ऐसे स्ट्रैप्स आते हैं जो एक स्टेशनरी हो जाते हैं और एंगल्स आप नहीं चेंज कर सकते। ये मेरा ट्राईपॉड है, फ़ोन ट्राईपॉड और मेरे GoPro के लिए ट्राईपॉड जो ये है वो। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत स्टर्डी है, हार्ड है, और इसमें बहुत सारे मॉड्स भी है। जैसे आप ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट करो तो आप इस ये रिमोट से आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और ये पूरा एक्सटेंड होता है, बहुत लंबा तक जाता है, तो हाइटेड वीडियोस भी हम ले सकते हैं। ये मेरा GoPro का केसिंग है, वाटरप्रूफ केसिंग जो माउंट करते समय हम लोग लगा सकते हैं। और ये है वो माइक जो मैं कल यूज़ कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा तकलीफ़ दे रहा था कल, आई डोंट नो। अभी उसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मुझे एक नया माइक ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये सबसे सही चीज़ है यार, ये है मेरे कार का माउंट, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बोले तो बहुत बहुत हार्ड है, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ग्लॉसी है और स्मूथ है, और ये चिपक गया ना तो ये चिपक ही जाता है, तो इसको निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है वो कार माउंट जो मैं बात कर रहा था, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा, और ये अगर मैं ये चिपका दूँ तो ये चिपकता है, इसको ऐसे लगाओ, और ये एक स्ट्रैप है जो नीचे करना पड़ता है, थोड़ा हार्ड है, ये हो गया, और अभी ये हिलेगा नहीं, और मुझे डर लग रहा है अभी ये यार काटना टूट गया। सिर्फ इसका एक मुझे ड्रॉबैक लग रहा है, जब मैं ये ऊपर करता हूँ ये फिर भी चिपका हुआ रहता है कभी कभी, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट कोई नहीं यार, ये एक बार लग गया कार में तो ये कार में ही लगा रहेगा, इसको मैं ज़्यादा निकालूंगा नहीं बाहर, बाहर के लिए तो ट्राइपॉड है ही वैसे भी मेरे पास। यह है मेरा हेलमेट जिस पर मैंने अपना स्ट्रैप लगा रखा है, यह है वो स्ट्रैप जो मैं बात कर रहा था, मॉड्यूलर स्ट्रैप। इसको मैं अगर मैं मूव करूँ तो मैं टिल्ट कर सकता हूँ या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ताकि ये बेटर एंगल मिले, बेटर व्यू मिले, एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले रोड का जब मैं बाइक चलाऊँ। और इसकी भी क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी हार्ड है, कुछ पत्थर लगा कुछ भी लगा तो ये टूटेगा नहीं जल्दी। और अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, जो माइक है मेरा। अब माइक मैंने आपको दिखेगा यार पता नहीं, माइक मैंने यहाँ सेटअप करके रखा, और अभी इसमें बात हो ऐसी हो रही है कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ दब जा रही है, वो पता नहीं क्या रीज़न है, मैं चेक करता हूँ।
माइक लग चुका है प्रॉपरली अभी। आई होप सो कि ये प्रॉपर काम करे। मैं फिर भी एक बार टेस्ट करूँगा साउंड क्वालिटी के वाइज। काम तो करना चाहिए, मैंने प्रॉपर अभी सेट कर चुका हूँ, वायर्स मिनिमलिस्ट कर चुका हूँ थोड़े इधर उधर घुसेड़ के, क्योंकि इसकी वायर बहुत लंबी थी तो मुझे थोड़ा दिक्कत आई सेट करने में, पर फाइनली हो गया। सो वी आर डन विथ माई हेलमेट राइट नाउ, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अभी तो फिलहाल GoPro की सेटिंग्स कर रहा हूँ क्योंकि कल का एंगल बहुत ज़्यादा ही वाइड था और थोड़े कलर करेक्शन अगर इसमें ऑप्शन हुए मेरे पास तो मैं वो करूँगा। थोड़ा फ्लिकरिंग भी मैंने नोटिस किया तो वो रिड्यूस करने का एक ऑप्शन आता है इसमें एंटी फ्लिकर करके, तो वो 60 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़ के बीच में कुछ है, वो ट्राई करके देखूँगा कि बेस्ट सूटेबल क्या है। और माइक्रोफोन के लिए और क्या क्या ऑप्शन है मैं वो सब इसमें अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख सकते हो। अभी इसमें मैं जाऊँगा तो ये है मेरा शूटिंग ऑप्शन जो है 4K 1080p स्लो मोशन एट 1080p, ये सब ऑप्शन है। और ये और भी ऑप्शन है, अभी इसके बारे में मुझे इतना आइडिया है नहीं, अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, डिस्प्लेस के बारे में है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या और इसमें हेल्पफुल रहेगा जिससे मैं बैटरी लाइफ थोड़ा एक्सटेंड कर सकूँ, बिकॉज मेरे पास एक ही बैटरी में और एक बैटरी लेना चाहता हूँ तो उसको थोड़ा टाइम जाएगा। फिर इसमें एंटी फ्लिकर ऑप्शन ये जनरल सेटिंग में आता है, किधर होगा। तो ये सब ऑप्शन अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सेट करूँगा ताकि जब मैं शाम को निकलूँ बाहर तो ये पूरी तरह से रेडी हो, सिर्फ प्लग एंड प्ले यूज हो जाए मुझे। देखा होगा कभी कभी कोई कोई वीडियोस में कि फुटेज में लाइट फ्लिकर हुआ था, तो इसके लिए इसमें भी एक ऑप्शन है एंटी फ्लिकर करके, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये गाइस ये है ऑप्शन एंटी फ्लिकर जिसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 60 हर्ट्ज और एक 50 हर्ट्ज का। सो 60 हर्ट्ज यूजुअली हम बाहर के लिए प्रेफर करते हैं और 50 हर्ट्ज इंडोर के लिए। जब आप अगर आपने ये कभी लिया GoPro लिया है तो ये सेटिंग्स ज़रूर ऑन करना, आप जब इंडोर शूट करोगे तो इसको 50 हर्ट्ज पर रखना ताकि लाइट फ्लिकर ना मारे, और आउटडोर के लिए 60 हर्ट्ज पर, नहीं तो पूरे वीडियो में आपकी लाइट फ्लिकर मारती ही रहेगी। को पिक किया है और हम लोग जा रहे हैं जुहू एक राउंड मारने, जुहू पे थोड़ा टाइम पास करेंगे। अभी फिलहाल तो अभी नेक्स्ट सबवे पे हम लोग, और आज यूजुअल इधर सबवे पे है पार्टी। No, why? So what are you gonna order? Bolo. What you are confused about? Order something. Order mojito, watermelon mojito. Tumhara favorite.
कैसा फील हो रहा है? गाइस कभी बेनेड्रिल पिया है? बेनेड्रिल विल आइस, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हिज एंड हर टेस्ट. माय ब्लॉग इज फैमिली ओरिएंटेड, पूरा श्रद्धा वालू. We are going to T-Town. T-Town, baby! Hey, Peeny, right? That's not even our property. Ah, that's... Return to you. Sorry guys, cringe content. That's it. वापस मिलेंगे फिर किसी चैनल पे, यही जोश के साथ एक नए ब्लॉग में.